सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंडर ट्राइबस सीआई ऑफ के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हो आगे एंड्रो की ब्रांडिंग है, एंड्रो का एक बड़ा लोगो देख सकते हो आप इधर फ्रंट पे, नीचे की तरफ आप देख सकते हो उसको लिखा है कॉनकेव, उसका मतलब है ये एफएल मॉडल है। एंड पीछे की तरफ आप देख सकते हो कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है इस ब्लेड के बारे में। एंड चलिए अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। सो आउट ऑफ द बॉक्स ब्लेड कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो बहुत प्रीमियम लुक है इस ब्लेड का। एंड ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसमें दो टाइप के मॉडल आते हैं, ये सीआई वर्जन है, सीआई का मतलब हो गया कार्बन इनर, मतलब ये एक इनर फोर्स कार्बन ब्लेड है। इसमें और एक मॉडल आता है जिसको बोलते हैं सीओ, जो कि है कार्बन आउटर, मतलब एक प्लाई के बाद फिर आपको कार्बन का लेयर दिखेगा, बट ये सीआई मॉडल है इसलिए आपको दो वुड लेयर के बाद आपको कार्बन का लेयर दिखेगा। सो जो ब्लेड है वो आगे से कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हो इसमें ग्राफिक्स बना हुआ है, एंड्रो का लोगो बना हुआ है, ट्राइबस सीआई ऑफ लिखा हुआ है एंड 5+2 केवला कार्बन इनर लिखा हुआ है। सो अब हैंडल के बारे में बात करते हैं। सो फ्रंट हैंडल है, उसमें आपको एक मेटालिक एंड्रो का लोगो मिल जाएगा जो कि देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। एंड पीछे की तरफ ब्लेड में कोई ग्राफिक्स नहीं है, ना ही आपके हैंडल में। अब चलते हैं इसके नीचे बॉटम ऑफ द लेंस। बॉटम ऑफ द लेंस में इसका मॉडल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ट्राइबस सीआई ऑफ लिखा हुआ है। सो इससे आपको पता चल रहा है कि ये वाला ब्लेड सीआई है। एंड ऊपर से आप जब कॉम्पोजिशन चेक करोगे तो आपको केवलर कार्बन दिख जाएगा आपको दो लेयर के बाद। तो चलिए इस ब्लेड के बारे में आपको कुछ डिटेल्स में बताते हैं। जैसे कि आपको पता है ये ब्लेड अभी अजंता शरद कमल यूज कर रहे हैं, आई थिंक वो 4 साल से यही ब्लेड यूज कर रहे हैं, उनको बहुत पसंद है ये ब्लेड। जैसे कि मैंने बताया कि एक इनफोर्स ब्लेड है, तो आपको पता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्वीट स्पॉट मिलेगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा एंड आपका जो गेम होगा उसमें आप अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। जैसे कि आपको पता है इसमें केवलर कार्बन है, आपको पता है केवलर कार्बन इज द फास्टेस्ट कार्बन, जो प्राइमोरेक कार्बन है बटरफ्लाई का वो भी केवलर कार्बन से बना है, बट बटरफ्लाई में उसको टैमका 5000 बोला जाता है। सो केवलर कार्बन को टैमका 5000 भी बोला जाता है बटरफ्लाई में। जैसे कि आपको पता है जो इनफोर्स कार्बन ब्लेड्स होते हैं वो टच प्ले में बहुत अच्छे होते हैं, जब आप इससे टच प्ले करोगे तो आपको बॉडी फील ज़्यादा मिलेगा एंड जब आप पावर प्ले खेलोगे तो इसमें आपको कार्बन का फील तब होगा। सो ये ब्लेड बहुत ही, अब मैं बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड ब्लेड है पावर एंड कंट्रोल के बीच में। सो ये ब्लेड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कार्बन पे स्विच करना चाहते हैं एंड वो लोग इतना जल्दी आउटर कार्बन पे नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए ये ब्लेड बहुत अच्छा है। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। स्पीड ऑफ दिस ब्लेड इज 9.2, कंट्रोल ऑफ दिस ब्लेड इज 8.9, स्टिफनेस ऑफ दिस ब्लेड इज 5.5, हार्डनेस ऑफ दिस ब्लेड इज मीडियम हार्ड। इसका जो वेट है वो वेरी करता रहता है 88 to 90 grams, ये वाला जो मॉडल है वो 90 grams का है। टाइप है इसका ऑफेंसिव माइनस, बट मैं इसको बोलूंगा कि ये ऑफेंसिव ब्लेड है, ऑफेंसिव के कैटेगरी में, ना ऑफेंसिव प्लस वन है ना ही ऑफेंसिव माइनस है। सो ऑफेंसिव माइनस एंड ऑफेंसिव प्लस वन के बीच में आ रहा है, तो इसको मैं ऑफेंसिव ब्लेड बोलूंगा, दिस इज नॉट एन ऑफेंसिव माइनस ब्लेड। तो चलिए इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। लिम्बा, ओएस, केवलर, ओएस, केवलर, ओएस एंड लिम्बा। सो अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ब्लेड किन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया कि ये ब्लेड उन लोगों को बहुत सूट करेगा जो नॉर्मल रैकेट से, नॉर्मल वुडन ब्लेड से स्विच करना चाह रहे हैं कार्बन ब्लेड पे, बट उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आउटर कार्बन ब्लेड्स के साथ खेले। सो दे कैन गो विद दिस ब्लेड विच इज़ एन इनफोर्स कार्बन ब्लेड। आपको पता है इनफोर्स से आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके गेम को इम्प्रोवाइज करने के लिए, आपको पावर भी मिलेगा, आपको टच प्ले भी आपका बेटर होता जाएगा इस ब्लेड से। एंड जब आप इससे बहुत अच्छा बन जाओ तन यू कैन शिफ्ट टू द आउटर कार्बन ब्लेड, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बट ये ब्लेड आपको एडवांस लेवल में पहुँचाने में बहुत हेल्प करेगा। आई थिंक जिस प्राइस पे ये ब्लेड आता है वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लेड है। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ कि इसके बदले आप कौन सा और ब्लेड ले सकते हैं, देन आई विल से गो विद DHS Fangbow। वो इससे थोड़ा सा फास्ट है बिकॉज उसमें इनर ALC ब्लेड है, वो ये इनर कार्बन ब्लेड। तो वीडियो खत्म करने से पहले आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, वो है साउंड टेस्ट।